वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कमोडिटी का स्टडी टेक्निकली आप कैसे करेंगे। कमोडिटी के चार्ट्स आपको थोड़े कम मिलते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा साइट है in.investing.com, उसमें इंडियन कमोडिटीज के भी चार्ट बड़े अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। देखिए उसका पाथ क्या है, मार्केट्स में कमोडिटीज में रियल टाइम कमोडिटीज में आप गए, क्लिक किया। अब सपोज मुझे गोल्ड का डिटेल देखना है, तो गोल्ड को मैंने क्लिक किया, तो यहां मुझे ये सारा डिटेल नजर आ रहा है, रिफाइंड गोल्ड ओवरव्यू। अब यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। 5 मिनट को जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इंट्राडे का चार्ट नजर आता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ तो मुझे 2 दिनों के चार्ट नजर आ सकते हैं, April 7, April 8। 30 मिनट में जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि पिछले 4-5 दिनों का चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 4-5 दिनों से क्या मूवमेंट हुआ है। जैसे यहाँ हमको मालूम पड़ रहा है कि लगातार ये बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ आ रहा है। आप कभी भी कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बन सकते हैं, तो हम हमेशा लो या एवरेज के नीचे सेलिंग लगा के रखें। 1 आवर में हमने देखा, आप मार्च अप्रैल 2 महीने का चार्ट नजर आ रहा है। 5 आवर में वही फरवरी से लेकर अप्रैल तक का चार्ट नजर आ रहा है। 1 डे में नवंबर से लेकर अप्रैल तक का 6 महीने का चार्ट है। 1 वीक में एक पूरे साल भर का चार्ट नजर आ रहा है, और 1 मंथ में हम पिछले 7-8 सालों का चार्ट देख पा रहे हैं। जनवरी 2006-07 से लेके 2008, 2010, 12, 14, 16। तो आपको यहाँ पे ये चार्ट देखना भी काफ़ी ज़रूरी है कि पिछले 10 सालों में गोल्ड का बिहेवियर क्या रहा है। अलग अलग सभी कम्युनिटी का बिहेवियर इस तरीके से देखने से आपको बड़ा फायदा होगा, और वॉल्यूम का भी यहाँ पे आप एक देख सकते हैं ग्राफ कि पहले कितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ करता था और उस वॉल्यूम में कितनी ज़्यादा कमी आई है। फिलहाल आगे अचानक से फिर इस लेवल का वॉल्यूम होने लग जाए तो आप नई तेजी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक नया बुल रन हो सकता है। आपको इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पता लग रहा है, 33,000 रुपये के आसपास का लेवल था। इसके पहले इसने 31,105 का लेवल बनाया था, फिर एक डिप आया बड़ा, 25,000 तक गिर गया, और 25,000 से गिर के वापस ये 33 तक चला गया था। अब ये नीचे आके दोबारा 29,900 के आसपास घूम रहा है, और आप देख सकते हैं 25,000 का ये जो सपोर्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो हमारे दिमाग में बात हमेशा होनी चाहिए, ये घटना चाहे 3 महीने 6 महीने बाद हो, लेकिन अगर 25,000 तोड़ा तो नए सिरे से एक बड़ी गिरावट आएगी। तो ये लेवल्स हमारे दिमाग में हमेशा रहे, तो हम अलग अलग चार्ट्स को देखते रहें और हर एक चार्ट के लेवल्स को नोट करते चले जाएंगे। ईयरली क्या लेवल है, 6 मंथ में क्या लेवल आ रहे हैं, 3 मंथ में क्या लेवल आ रहे हैं, पिछले 5 दिनों का तो आपको काम आना ही है, वो तो कल भी काम आ जाएगा। और इसके बाद आप चाहें तो इन सब के टेक्निकल भी चेक कर सकते हैं। टेक्निकल में इस तरीके से ये एक अच्छी बात है कि मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से ये सब का समरी बता देता है कि मूविंग एवरेजेस में कितने मूविंग एवरेज बाइंग दिखा रहे हैं, कितने टेक्निकल इंडिकेटर बाइंग दिखा रहे हैं। ये आप आवरली में देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट, 5 मिनट में जाके देखें क्या सीन बनता है, फिर आप 15 मिनट में जाके देखें क्या सीन बनता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ देखा और आप आँख मूंद के जाके बाइंग कर लेंगे। ये चीज़ें सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है कि हम कोई उल्टा डायरेक्शन बना के नहीं बैठ जाएं। सपोज आप शॉर्ट सेल करने जा रहे हैं, अचानक आपको दिखा यहाँ तो स्ट्रांग बाय दिखा रहा है, तो हम लोग उस गलती से बच सकते हैं। और जब आप हेजिंग कर रहे हैं तो हेजिंग का एक सही झुकाव बना सकते हैं, आपकी बाइंग यहाँ नज़र आ रही है तो बाइंग की तरफ मेरा थोड़ा ज़्यादा झुका हो, सेलिंग की तरफ मेरा थोड़ा कम झुका हो, तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। मतलब आप 3 गोल्ड मिनी की लॉट बाय कर सकते हैं और 2 लॉट को सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस दोनों में इक्वली 30-40 पॉइंट का रख सकते हैं। एकदम से अगर मूवमेंट आता है 100-150 पॉइंट्स का तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाने वाला है। और इस तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगर देखेंगे तो पॉसिबिलिटी तो 500-500 पॉइंट के मूवमेंट के आने की भी बनेगी। तो
इस चीज़ की शुरुआत आप करें। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद में हम अलग अलग सभी कमोडिटीज़ की डिटेल को इस तरीके से देख सकते हैं और वो देखना आपको सीखना है। जब आप टेलीफोनिक क्लासेस में हमसे बात करेंगे और डेली ट्रेड करेंगे तो हम एक एक कमोडिटी के लेवल को क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से सिर्फ आपको आइडिया मिल रहा है, आगे चल के आपको ये पता लगता है कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय।